हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो किलकिया फ्लोर फर्स्ट पार्ट हम आप लोग को बता दिए थे, आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किलकिया फ्लोर के फर्स्ट पार्ट में सॉल्ट के बारे में बात हम बताए थे, आज हम बात करेंगे शरीर के विभिन्न अंग में उस सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, यानी नमक के कमी से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसका पहला प्रॉब्लम सर का बाल उड़ना। अक्सर देखा गया है कि किलकिया फ्लोर ब्रेन ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करता है, खासकर नवजात शिशु को ब्रेन ट्यूमर हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ब्लैक ट्यूमर में भी बहुत अच्छा काम करती है। रिलैक्स कंडीशन के वजह से जो बोन का सरफेस होता है, जो रफ हो जाता है, उसमें खुरदरापन आने लगता है, दर्द भी होता है, लंप भी बनते हैं जैसे ग्रोथ होता है। आँख के बारे में बात करें तो दोस्तों, आँख का जो ब्लड वेंस होता है यानी खून जम जाता है, कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा। किलकिया फ्लोर में मोतियाबिंद की बहुत अच्छी दवा है। मोतियाबिंद में इसको सफलतापूर्वक यूज करते हैं और किलकिया फ्लोर के पेशेंट अगर किलकिया फ्लोर का पेशेंट के शरीर में अगर कमी हो जाए सॉल्ट का, तो उसे पेशेंट को आँख से धुंधला दिखाई देने लगता है और दर्द भी होने लगता है। और जब वह पेशेंट आँखों को आराम देता है तो उसके आँख का भी दर्द आराम होने लगता है। इन्वॉल्व हो यानी उन हड्डियों का हार्डनेस हो गया हो या वो हड्डियाँ बढ़ गई हो, तब ऐसी अवस्था में किलकिया फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है।